Hello everyone, I am back with the seventh lecture of the chapter Silk Road, written by Nick Middleton from your book Hornbill. Students, in the previous lecture, we have already discussed that uh, uh, Nick Middleton was having trouble sleeping due to his cold. He was not able to breathe properly and he was awake all night. But the next morning, he went to medical college for his treatment and now he is fine. आ, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि आ, निक विंडल्टन को परेशानी हो रही थी सांस लेने में उनके कोल्ड की वजह से उनके नॉस्टल्स बंद हो गए थे और वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं और अगली सुबह वो डॉक्टर के पास जाते हैं फिर वो भी ठीक है और सेतन उन्हें छोड़कर लहासा चला जाता है नाउ विल मूव फर्दर इन द चैप्टर Darchan did not look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south uh, gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow capped mountain, Gurla Mandhata, with uh, जस्ट ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड समिट नाउ अभी क्या होता है कि वो वो लोग इससे पहले होर में थे होर के बाद वो लोग रात में दार्चिंद पहुंचते हैं दार्जिंग में आ, बहुत परेशानी होती है उनको रात भर सोने में फिर वो मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो अब जैसे कि वो सो चुके हैं अच्छी खासी नींद उन्होंने ले ली है अब थोड़ी हिस्स फैली फीलिंग बेटर तो उन्हें दार्चन उतना भी बुरा नहीं लग रहा है हालाँकि अभी भी दारचिन उतना ही डस्टी है उतना ही पार्शली डेरेलिक्ट डेरेलिक्ट का मतलब उ कंडीशन में है उतना भी नहीं लेकिन फिर भी और के जितना नहीं लेकिन फिर भी अभी भी उसका कंडीशन उतना ही पुअर है मतलब चारों तरफ कचड़े हैं डस्ट है हीप्स ऑफ रबल मतलब ढेर लगी हुई है कचड़ों की कचड़ों का ढेर लगा हुआ है रबल एंड रिफ्यूज़ रबल मीन्स कचरा रिफ्यूज़ मतलब जो सामान अब इस्तेमाल ना करें रिफ्यूज़ एंड रबल ठीक है जिस चीज़ को छोड़ देते हैं वो सारी चीज़ें बट द सन शोन ब्राइटली लेकिन आज धूप बहुत अच्छी है सूरज बहुत अच्छे से निकला हुआ है स्काई बिल्कुल ब्लू है क्लियर है आउटलुक दूर देखते हैं तो साउथ की तरफ उनको एक विजन दिखाई देता, देता है उनको एक नज़ारा दिखाई देता है नज़ारा है क्या है हिमालयाज़ उन्हें हिमालज नज़र आ रहा है और हिमालयाज़ में ऊपर स्नो कैप माउंटेन यानी कि चारों तरफ स्नो कैप यहाँ पे ऊपर में स्नो है ठीक है स्नो कैप माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ों के ऊपर जब स्नो बर्फ़ जमी हो तो उसे स्नो कैप माउंटेन कहते हैं और हिमालयस का वन ऑफ़ हिमालय रेंजेस का वन ऑफ़ द माउंटेन है जिसका नाम है गुल्ला मंदाता और उसके ऊपर छोट बहुत सारे क्लाउड्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं एकदम क्लाउड के माउंटेन uh, के टिप के ऊपर एकदम uh, रुके हुए ठहरे हुए समिट का मतलब यहाँ इसका मतलब होता है समिट ठीक है इस जगह पर ऐसे ऐसे क्लाउड्स यहाँ पर बने हुए हैं जमे हुए हैं ठीक है तो बड़ा सुंदर सा नज़ारा इनको यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा है ये सब क्लाउड्स है ऑलराइट कुछ ऐसा नज़ारा द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडमेंट्री जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजन एज वेल एज द यूजल स्ट्रिंग ऑफ फ्लैग प्रेयर प्रेयर फ्लैग्स दाचिन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जनरल स्टोर है रूडीमेंट्री का मतलब होता है डेली यूज के जो सामान होते हैं रोज़मर्रा वाले बेसिक ठीक है तो रूडी कहते हैं उसको और जनरल स्टोर्स है वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है चाइनीज़ सिगरेट मिल रही है सोप साबुन मिल रहा है नहाने वाने के लिए बेसिक प्रोविज़न यानी कि रोज़मर्रा के रोज सामान है और साथ साथ प्रेयर फ्लैग्स मिल रहे हैं आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स वगैरह ऐसे झंडे लगा करके अपने बाइक वाइक पर गाड़ी वाड़ी में लगाते हैं जिसमें अलग अलग छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं प्रेयर फ्लैग्स का बहुत सारे In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. The battered table looked supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of the narrow brook that babbled down past my guest house. अभी उनको नज़ारा क्या नज़र आ रहा है कि एक जगह है जहाँ पे उस दुकान के सामने आ, कुछ आदमी इकट्ठे हुए हैं, ग्यादर हुए हैं गैदर हुए हुए और पूल खेल रहे हैं वो लोग और वहाँ पे एक टेबल रखी है टेबल वो पूरी तरीके से टूटी हुई है चकनाचूर हो चुकी है बैटर्ड इसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है ठीक है बैटर्ड का मतलब होता है चकनाचूर वो जो टेबल है जिस पर पूल खेला जाता है पूल एक गेम होता है जैसे बिलियर्ड ऐसा टेबल होता है और टेबल पैसे ऐसे बॉल्स होते हैं इन बॉल को ऐसे ऐसे जो यहाँ पे खड्डे होते हैं होल्स होते हैं उनमें डालना होता है और स्टिक होती है एक लंबी सी तो वहाँ पे वो लोग पूल खेल रहे हैं और ये जो टेबल है वो पूरी तरीके से झरझर हो चुका है चकनाचूर हो चुका है और सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुस उस और उसको खुले में रखा हुआ है तो ये देखने में बड़ा ही इनकॉन्ग्रुस यानी बेतुका लग रहा है बिल्कुल भी पूल इज़ इंडोर गेम ठीक है तो उसको अगर आप ऐसे खुले में बाहर रख कर के अगर खेल रहे हो तो सच में बेतुका ही लगेगा देखने में लेकिन फिर भी वहाँ पे जो दुकान थी उसके सामने लोग इकट्ठे होकर के पूल खेल रहे थे उस टेबल पे और औरतें कुछ औरतें थी वो क्या कर रही थी अपने लंबे लंबे बाल धो रही थी कहाँ पे आइसी वाटर में बर्फ़ वाला जो पानी था वो सामने एक छोटा सा उनका उनका जो गेस्ट हाउस था किसका आ, निक मिडलटेन जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वहाँ पीछे से एक झरना आ रहा था और उस झरने से आइसी वॉटर एकदम जमी हुई ठंडी पानी ऑब्वियसली आसपास बर्फीले पहाड़ है तो ठंडे पानी ही आ रही होगी तो वो उसी में अपने बाल धो रही हैं हाँ दार्चिन फेल्ट रिलैक्स एंड हर इट बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक दार्चिन देखने में तो बड़ा ही रिलैक्सिंग लग रहा था कि सब मग्न है अपने काम में सब तरफ थोड़ा सुकून सुकून नजर आ रहा है सब कुछ ठीक है अनहरेड कहीं भाग दौड़ नहीं हो रही है कोई भाग दौड़ कर नहीं रहा है ऐसा शोर नहीं है शोर शराबा चारों तरफ नहीं है तो रिलैक्स लग रहा था लेकिन दालचिन उनके लिए एक इनसिग्निफिकेंट ड्रॉबैक लेकर के आया था यानी कि एक बोल सकते हैं डिसप्लेजर थोड़ी निराशा लेकर आया था ये निराशा क्या थी देर वॉज़ लो पिलग्रम्स जब वो वहाँ पहुँचते हैं दार्जिन में तो देखते हैं कि कोई भी तीर्थ यात्री वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं कोई भी पिल्ग्रम नहीं है वहाँ पर पिलग्रम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री जो लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं पिलग्रम वहाँ पे उनको कोई भी पिलग्रम नहीं दिखाई दे रहा था विच मीन्स वो समय से पहले पहुँच गए थे अभी वहाँ पे कोरा करने वाले तीर्थयात्रियों के आने की शुरुआत अभी हुई नहीं थी अभी कुछ समय और था एक टाइम होता है ना जैसे हमारे यहाँ पे अभी सावन आता है तो लोग बो, बोल बोलबम जाते हैं और वहाँ पे जल डालते हैं तो जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्या कहलाए तीर्थयात्री कहलाए तो उसी तरीके से जो टाइम है वो कब होगा सावन का टाइम होगा आप उससे पहले जाओगे तो आपको वहाँ पे भीड़ मिलेगी नहीं लेकिन सावन में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है तो वैसे ही यहाँ पे भी कोरा का एक समय है परिक्रमा करने का एक टाइम है तो वही टाइम पे लोग जा कर के परिक्रमा करते हैं उस टाइम का मे भी इम्पॉर्टेंस होगा ज़्यादा इसी वजह से तो ये समय से शायद पहले पहुँच गए अभी वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नज़र नहीं आ रहे हैं आई हैव बिन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रमिथ सी सीजन द टाउन वॉज बस्लिंग विथ विजिटर्स उन्हें ये बताया गया था कि जो पिलग्रिमेज का टाइम होता है सीजन होता है उस समय पे अगर आप उसी मेन टाइम पे जाओगे तो जो टाउन है वो विजिटर्स आने जाने वाले लोगों से भरा पड़ा रहता है जो घूमने आते हैं उन लोगों से भरा भरा हुआ होता है चारों तरफ हलचल होती है मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन इन लाजिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजेज एज दे सैट अप इन देयर टेंट्स विथ स्पिल डाउन ऑन टू द प्लेन बहुत सारे तो ऐसे भी लोग आते हैं जो अपने रहने की व्यवस्था करके आते हैं मतलब वो लोग टेंट ले ले करके चलते हैं जैसे नूमैंड होते हैं या आप कहीं ट्रैक या ट्रैवल करते हो तो लोग होते हैं ना अपने टेंट ले कर के चलते हैं साथ में तो रहने की जगह वहाँ उतने उतना ज़्यादा डेवलप जगह नहीं होते सारे गेस्ट हाउस होंगे नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं अपना अकोमोडेशन यानी रहने की व्यवस्था साथ में ले कर के चलते हैं और जहाँ पर भी खाली जगह यानी प्लेन लैंड दिखाई देता है वहीं पर अपना टेंट लगाते हैं और वहीं पर बिछ जाते हैं I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. और इन्होंने भी यही सब कुछ planning करके ही अपना अपनी यात्रा को शुरू किया था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो समय से शायद पहले ही पहुँच चुके हैं One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchin's only cafe. एक दिन वैसे ही बैठ करके अपने ख्यालों में खोए हुए हैं क्योंकि अभी तो पहले आ गया आप सोच विचार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने ही ऑप्शंस को पॉन्डर कर रहे हैं ऑप्शंस को पौडर करना मतलब अपने ऑप्शंस गिनना कि अभी मैं अब यहाँ हूँ तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्योंकि इंतज़ार तो करना ही है कोई और ऑप्शन है नहीं तो और क्या क्या किया जा सकता है यानी कि अपने अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं और क्या करने का है और वहाँ दार्जिन का इकलौते कैफ़े में बैठ करके वो चाय पी रहे हैं। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन थोड़े सोच विचार करने के बाद कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार थोड़ा सोचने विचारने के बाद उनके दिमाग में मे भी कोई आइडिया आया है आई कंक्लूडेड दे वीवियली लिमिटेड लेकिन फिर उनके दिमाग में आता है कि ना जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर काम करने वाला नहीं है गंभीर रूप से बहुत सीमित है मतलब जो भी मैं सोच रहा हूँ नहीं जो ऑप्शंस वो सोच रहे होंगे वो लिमिटेड होगा शायद वहाँ पे ऑप्शंस उतने अवेलेबल नहीं होंगे उतनी ज़्यादा सीमाएं नहीं हैं वहाँ पे क्लियरली आई hadn't made मेड मच प्रोग्रेस विद इन help सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग जब आप अकेले बैठते हो तो आप बहुत अनशण्ड सोचते हो एक्चुअली अच्छा भी सोचते हो सेल्फ टाइम बहुत ज़रूरी होता है तो सबसे ज़्यादा आप उसी टाइम पे सोचते हो तो आप, आप जब डीप थिंकिंग करने लगते हो तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा ही ख़राब सोचने लगते हो या तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा सोचने लगते हो ऐसा होता है बीच का नहीं होता उस टाइम तो ये भी सोच रहे हैं जब अपने आप ये अभी इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं तो ये अपने ऑप्शन देख रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो बहुत सोचने विचारने के बाद इनको समझ में आता है कि इनकी सोच थोड़ी सी क्या हो गई इनका जो थाट uh, है uh, वो सेल्फ़ हेल्प प्रोग्राम और पॉजिटिव थिंकिंग करने की इनको ज़्यादा ज़रूरत है मतलब कि जहाँ भी जाते हैं यहाँ अकेले ट्रैवल करते हैं तो इनको सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है कि कहीं भी जाऊँ तो मैं अपनी मदद खुद कर सकूँ इस चीज़ पर पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है इनको और ये क्या हो गया है इसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं मतलब जहाँ भी जाते हैं बीमार पड़ना कोई ना कोई साथ में रहता है मतलब इनको हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत है और अभी क्या हो गया है बिल्कुल अकेले हो गए हैं सेतन चला जा चुका है डैनियल जा चुका है लामू तो वहीं रह गई थी तो अभी इनके पास कोई वैसा है नहीं तो सेल्फ हेल्प के नाम पर ये सेल्फ हेल्प का मतलब होता है खुद को खुद की मदद करना तो इन्होंने अपने आप की मदद करने का वैसा कुछ खास अभी तक कोई अचीवमेंट इनके पास है नहीं कि सब मैं खुद ही कर लूँगा मैं देख लूँगा कोई ना भी रहे साथ में तो देखते आगे क्या क्या कर सकते हैं अगर ऐसी कोई ज़रूरत मुझे पड़ती है तब मैं क्या करूँगा ऐसा इनके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं जबकि रेडी होना चाहिए तो यही सब सोच रहे हैं कि ज़रूर मुझे ऐसा कुछ सोचना चाहिए था अभी तक फ़िलहाल इन माई डिफेंस आई आई हैडेंट बिन इट हैडेंट बिन ईजी विथ all my ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज तो अपने आप के ही बचाव में ये ख़ुद को ये कह रहे हैं कि हाँ तो आ, सोचता भी कैसे है मैं अपनी हेल्प कैसे करता मैं तो सो ही नहीं पाया ना इंसान अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा तब तो अपनी हेल्प कर पाएगा अपने बारे में सोच पाएगा ना तो मुझे तो सोचने का मौका ही नहीं मिला मुझे तो सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी सोने में इतनी परेशानी हो रही थी तो मैं अपने बारे में सोचता कब या खुद की मदद करने के बारे में कब सोचता बट हाउ एवर आई इट इट आई कुड ओनली वेट तो वो बस आसपास देखते हैं और सोचते हैं कि अब कोई चारा नहीं अब सेल्फ हेल्प क्या कर सकता हूँ मैं अकेले ऊपर जाऊँगा कैसे या सॉरी अकेले जा के परिक्रमा या कोरा करूँगा कैसे तो इससे अच्छा है कि मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं मतलब यहाँ पे बेसिकली उनके दिमाग में ये चल रहा था कि कोई और अभी फ़िलहाल अगर परिक्रमा नहीं कर रहा तो मैं अकेले ही कोरा कर देता हूँ करता हूँ और अकेले जब कोरा करने के लिए जाऊँगा तो उस टाइम पर अगर कोई परेशानी आएगी तो मैं हूँ ना अपने आप के लिए मैं मैनेज कर लूँगा खुद को लेकिन नहीं ऐसा वो नहीं कर पाएंगे अपनी सर्दी तो उनसे अकेले मैनेज हुई नहीं अकेला जुकाम तो मैनेज हुआ नहीं उनसे तो वो कहाँ कूरा अकेले कंप्लीट करने जाएंगे तो ये लास्ट में यही सोचते हैं कि और अपने आप को अपना अपना बचाव भी करते हैं कि नहीं हम कैसे कर पाते मैं तो तबियत ठीक नहीं था वो सिचुएशन कुछ और थी तो लास्ट में समझ रियलाइज़ होता है कि ना अभी टाइम मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं तो मैं फिलहाल वेट करता हूं वेल ट्रॉडन बट आई डेंट फैंसी डूइंग इट अलोन देखो जो पिलग्रमेज ट्रायल uh, था ट्रायल का मतलब होता है रस्ता मैंने आपको पहले भी बताया फिलड्रमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा और ट्रायल का मतलब रास्ता तो जो तीर्थ यात्रियों के लिए जो रास्ता है वो वेल वेल्ट्रॉडन है वेल वेल्ट्रॉडन का मतलब बहुत ज़्यादा चला हुआ रास्ता है सब लोग जानते हैं वो रास्ता अभी आप यहाँ से वैष्णो देवी जाओगे तो सबको पता है कि कौन सा रास्ता किधर जाना है आप यहाँ बैठे बैठे भी आपको पता चल जाता है तो आ या बहुत सारे लोग वहाँ आते जाते रहते हैं तो वो भुलाने वाली कोई जगह है नहीं मस्ट ट्रॉडन है मतलब फ्रीकेंटली ट्रैवल्ड है बाई ट्रैवलर्स Hello everyone, I am back with the seventh lecture of the chapter Silk Road, written by Nick Middleton from your book Hornbill. Students, in the previous lecture, we have already discussed that uh, uh, Nick Middleton was having trouble sleeping due to his cold. He was not able to breathe properly and he was awake all night. But the next morning, he went to medical college for his treatment and now he is fine. आ, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि निकमुडल्टिन को परेशानी हो रही थी सांस लेने में उनके कोल्ड की वजह से उनके नॉस्टल्स बंद हो गए थे और वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं और अगली सुबह वो डॉक्टर के पास जाते हैं फिर वो भी ठीक है और सीटन उन्हें छोड़कर लहासा चला जाता है नाउ विल मूव फर्दर इन द चैप्टर Darchan did not look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south uh, gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow capped mountain, Gurla Mandhata, with uh, जस्ट ऑफ क्लाउड क्या होता है कि वो वो लोग इससे पहले होर में थे होर के बाद वो लोग रात में दार्चिंद पहुंचते हैं दार्चिंद में आ, बहुत परेशानी होती है उनको रात I hadn't come across anyone in Dachin with enough English to answer even this most basic question. सेटिन के चले जाने के बाद इन्हें अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसे ठीक ठाक इंग्लिश आती हो या जिसे इतनी इंग्लिश भी आती हो जिससे एक बेसिक क्वेश्चन कर सके कि आ, कोरा करने वाले कोरा करने के लिए जाने वाला जो रास्ता है जो तीर्थ यात्रियों वाला रास्ता है उसमें मुझे भी ब्लॉकेज ऑफ आइस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सवाल इनके मन में है क्योंकि ये समय से पहले पहुँच गए तो ये सोच रहे हैं कि कहीं अकेले ही मुझे करना अगर पड़ा कोरा तो, तो फिर भी मुझे बेसिक क्वेश्चन तो लोगों से पूछने होंगे कुछ जानकारी लेनी होगी लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है इनके पास ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा इशू है कि इन्हें तिब्बती नहीं आती है वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं नहीं आती है और सीटन और डैनियल के चले जाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं रहा है वहाँ पे या ये अभी तक फिलहाल किसी से नहीं मिले हैं जिससे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो और ये उससे सवाल पूछ सके अनटिल आई अनटिल दैट इज़ आई मेट नोट बो हाँ लेकिन तब तक जब तक ये नॉर्बू से नहीं मिले थे नॉर्बू ये हमारे चैप्टर का लास्ट कैरेक्टर है जो निक मिडल्टिन के साथ जो निक मिडल्टिन को दार्चन में मिलता है द कैफे वॉज स्मॉल डार्क एंड कैवरनेस विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट ट्रैन डाउन द मिडिल ये नॉर्बू नौर, से कहाँ मिले एक कैफे में मिले एक छोटा सा अंधेरा सा कैफे था टूटा फूटा झरझर जैसे बोल सकते हैं पूरा झोपड़ी के तरह वैसा एक uh, कैफे था झरझर ठीक है तो एक ऐसा कैफे था और उसके बीच में एक मेटल का ऐसे स्टोव रॉड दौड़ा हुआ था और उसके किनारे किनारे ऐसे ऐसे झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था द वॉल्स एंड द सीलिंग वर रीथ इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर प्लास्टिक उसकी जो दीवारें थी उसके जो उसका जो छत था उसमें बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक से उसको बना करके ऐसे छत के जैसा जैसे झोपड़ी होती है तो उसमें टिन वगैरह या पुआल वगैरह लगा लगा करके उस सजा सजा करके और उसके छत या दीवारों को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है एग्जैक्टली वैसे ही उस कैफ़े के का भी हाल था कि उसमें उसके बीच में से एक ऐसे रॉड गुजर रही थी और इधर इधर ऐसे ऐसे करके प्लास्टिक दोनों साइड से गिराए हुए थे वो भी मल्टी कलर्ड प्लास्टिक रीथ का मतलब होता है सजाया होना माले के जैसा पिरोना ठीक है तो माला बनाना होता है ना वैसे ऑफ़ अ स्ट्राइप वेराइटी और वो जो प्लास्टिक्स थी वो भी अलग अलग वेराइटीज़ की थी स्ट्राइप थी उसमें ब्रॉड ब्लू था रेड एंड वाइट थी दैट इज़ मेड इन टू स्टाउथ और रेड और वाइट कलर के उसके ऐसे मोटे मोटे स्टाउट गद्दे के जैसा मोटा मोटा बना दिया गया था ताकि पानी या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंड थी या बर्फ बहुत ज़्यादा जम ना सके अंदर आ ना सके वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना और वो जो बैग्स है प्लास्टिक बैग जो फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे थे वो वॉल्यूमिनस थे मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको आ, एक साथ इकट्ठा करके लेयर बाई लेयर लगा करके आ, ये किया गया था लगाया गया था वहाँ पे और ये प्लास्टिक आ कहाँ से रहे थे सारे के सारे चाइना से आ रहे थे मतलब उस कैफ़े में नहीं पूरे तिब्बत में वो जो प्लास्टिक थी वो कहाँ से सप्लाई होती थी चाइना से सप्लाई होती थी एंड इन मेनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप और सिर्फ चाइना से वहाँ तिब्बत नहीं बल्कि यूरोप भी एशिया भी और बहुत सारी कंट्रीज़ में वो प्लास्टिक सप्लाई हो रही है एज सच प्लास्टिक मस्ट ट्रेड एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलॉन्ग सिल्क रोड टुडे मैंने आपको चैप्टर के बिगनिंग में बताया था कि सिल्क रूट जो था वो सिल्क ट्रेड के लिए फेमस था चाइना से जो सिल्क आते थे वो बहुत सारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था और उसकी वजह से उस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा था फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने लगी अभी फ़िलहाल आज के दे, दे आज के दौर में देखा जाए तो वो जो रूट है वो सिल्क के लिए ज़्यादा नहीं बल्कि चाइना के प्लास्टिक के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है चाइना में बनने वाला प्लास्टिक जो है वो चाइना के मार्केट का अभी सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है तो वो उसी रूट से पूरे दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है एशिया जैसे कॉन्टिनेंट और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में भी द कैफे हेड अ सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेक इन अपोजिशन सो दैट आई कूड सी द पेजेज ऑफ माई नोट बुक अब वो जो कैफे था वो उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी पूरे कैफे में सिर्फ एक खिड़की थी तो वो क्या किया उस विंडो वहाँ पे जो खिड़की थी उसके बगल में जा कर के जो टेबल लगा था उसमें वो बैठ जाते हैं और वहाँ पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो किताब पढ़ रहे होते हैं और उनको एक क्लियर व्यू मिले किताब अच्छी से नजर आए अंधेरा ना लगे पढ़ने में तो उसी किताब को वहाँ पे बैठ करके पढ़ रहे होते इसलिए उन्होंने खिड़की वाली सीट पकड़ ली थी आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नावल विथ मी टू हेल्प पास टाइम और वो अपने साथ नावल ले कर चलते थे कि कहीं उनको ऐसा कोई सिचुएशन मिले तो वो अपना टाइम पास कर कर सके जैसे कि अभी फिलहाल वो कर रहे थे क्योंकि सेटन और डैनियल चले गए थे ये कोरा से पहले पहुंच गए थे तो इनके पास करने को कुछ था नहीं और अभी पिलग्रिमेज को टाइम था तो अभी इन दिनों वो करेंगे क्या तो इसीलिए इन दोनों वो नॉवेल पढ़ रहे थे वहां पे कैफे में बैठ करके नॉर्बो सॉ माई बुक वेन ही केम इन एंड आज विद अ जेस्टर इफ आई कुड सिट ऑपोजिट एट माई रिकेटी टेबल यू इंग्लिश ही इनक्वायर आफ्टर ही ऑर्डर टी आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्ट अप कॉन्वर्सेशन अब क्या होता है कि नॉर्वो सामने से एंटर करता है और वो देखता है कि वहाँ पे कैफ़े में एक आदमी है जो इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है तो उसे क्यूरियोसिटी होती है और वो उनके पास आकर के निक मिडल्टन के सामने आकर के उनसे जेस्चर में मतलब इशारों में पूछता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ और फिर वो दूसरा सवाल करता है यू इंग्लिश क्या आप इंग्लिश हैं और वो वो जो टेबल होता है जिस जिसपे वो बैठने की इजाज़त मांगता है वो बहुत ही झरझर टेबल होती है रिकटी मतलब टूटी फूटी जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो वैसी टेबल थी वो तो वो वहाँ पे उनसे पूछने का वो इशारे में उनसे पूछता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ और निक डन उसे कहते हैं हाँ बैठ सकते हैं आप और वो आंसर करते हैं कि हाँ मैं इंग्लिश ही हूँ और वो उस पर बैठ जाता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है वो वहाँ पर ऑर्डर करता है चाय चाय ऑर्डर करता है चाय उनको बोलता है चाय बनाने के लिए जस्ट अ सेकेंड I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a uh, western style. He was Tibetan, he told me, but he worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of fieldwork. जब नॉर्बो बैठता है आकर के तो नॉर्बो से बातचीत करने लगते हैं उसमें उन उन दोनों की बातचीत में उन्हें मालूम चलता है कि नॉर्बो जो है वो उन्हें पहले लगा था कि नॉर्बो उस वहाँ का नहीं है वहाँ का लोकल आदमी रेसिडेंट नहीं है क्योंकि उसका जो अटायर था वो उसने पहना हुआ था एक विंड चीटर और उसने राउंड रिम के ग्लासेस लगाए हुए थे तो उन्हें देख करके लगा कि नहीं ये तिब्बती नहीं हो सकता है। लेकिन हालाँकि वो तिब्बती था नॉर्बो एक तिब्बतीन ही था तो वो बातचीत में उनसे पता चलता है उन्हें मालूम चलता है कि वो तिब्बतन है लेकिन वो बीजिंग में रह रहा है चाइनीज़ अकेडमी में कोई सोशल साइंसेज की अकेडमी है वहाँ पर वो अपना कुछ रिसर्च वर्क प्रैक्टिस कर रहा है एथनिक लिटरेचर में ठीक है और उसी फील्ड वर्क के काम से वो यहाँ पर आया हुआ है आ, अपना जैसे पी एच जो लोग पी करते हैं वो लोगों को रिसर्च करना होता है अपना एक पेपर रेडी करना होता है तो वो लोग को जगह जगह पर जा के अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई करनी होती है अपने टॉपिक से रिलेटेड और फिर वो उस प्रैक्टिकल लिखते हैं और डेजर्टेशन बनाते हैं अपना पूरा एक्सपीरियंस करके उस चीज को अनुभव करके और तब लिखते हैं सिर्फ बैठे बैठे इधर उधर के सोर्सेस से नहीं लिखते हैं तो ऐसा ही होता है तो शायद इसके साथ भी वैसा ही है कि इसने जो कपड़े पहने थे वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न स्टाइल के थे क्योंकि ये बीजिंग में और रह रहा था बीजिंग यानी कि चाइना में रह रहा था और ये वहीं पे चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में काम कर रहा था जो कि एक एथनिक लिटरेचर का इंस्टीट्यूट है और इसीलिए उन्हें उन्होंने अंदाज़ा लगाया निक मडल्टन ने कि ये ज़रूर यहाँ पे अपने फील्ड वर्क की वजह से आया हुआ है येस एंड नो ही सेट आई हैव कम टू डू द कोरा तो उन्होंने उससे पूछा होगा क्या फील्डवर्क की वजह से आए हैं यहाँ पे नॉर्बो से तो नॉर्बो कहता है हाँ भी और ना भी uh, मैं हमेशा से कोरा करना चाहता था कि uh, oh. मेरा रिसर्च वर्क भी है और मैं हमेशा से कोरा कंप्लीट करना चाहता था चाहता था कि मैं खुद भी कोरा करूं माय हार्ट जम्प्ट और ये जैसे ही निक मंडल्टन ने सुना उनके दिल में कैसे होता है ना कि एक्साइटमेंट सी आ गई चलो कोई तो है जो मेरे साथ इंग्लिश जानने वाला और मेरा कंपेनियन कोई तो होगा मैं अकेला तो नहीं हूँ ना कोरा के टाइम पर नॉर्बू राइटिंग अकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मेनी ईयर्स He told me, but he had never actually done it himself. अब वो कहते हैं कि आ, उनके बातचीत में उन लोगों को उन्हें पता चलता है निक मिडल्टन को कि नॉर्वो जो है वो अपना अकेडमिक पेपर लिख रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिसर्च पेपर लिखते हैं वो अपना पेपर लिख रहा है और कैलाश कोरा उसका टॉपिक है और उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को वो पढ़ रहा है और उसमें कैलाश कोरा के बारे में, में मेंशन करना है उसके इम्पोर्टेंस को मेंशन करना है इसीलिए वो वहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आया है लेकिन उसने आज से पहले कभी भी कोरा किया नहीं है इसीलिए वो पहली बार आया है When the time came for me to tell him what brought me to डार्च his light up. We could be a team. अब जैसे ही निक मिडल्टन की बारी आई निक मिडल्टन ने भी बताया कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं अचानक से उनको कोरा करने का मन कैसे किया एक्सेट्रा एट्सेट्रा जब उन्होंने बात की होगी आप बताते हो आप दूसरे के बारे में सुनते हो तो आप अपने बारे में भी बताते हो तो ना तो जैसे ही नॉर्वो के बात खत्म हुई तो इन्होंने भी अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ पे कोरा क्यों करने के लिए आया हूँ तो इनकी आंखों में एक चमक सी आ गई कि मैं किसी अच्छा मतलब सिमिलर आदमी को बता रहा हूँ अपनी बात तो वी कुड बी अ टीम तो एक होता है ना कि वाह चलो हम दोनों सेम सेम काम करने वाले हैं तो मैं तुम्हारा दोस्त या कहीं आप रस्ते में जर्नी में जा रहे हो आप और आप बहुत अकेले ऐसे लोनली फील कर रहे हो और सडनली आपको कोई ऐसा एक्साइटिंग आदमी मिल जाए विथ सेम इंटरेस्ट सेम मस्ती करने वाला तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक अलग सी एक्साइटमेंट आ जाती है exactly एग्जैक्टली इनके साथ भी वैसे ही हुआ और ये सुनते के साथ नॉर्म थोड़ा सा चेयरपी आदमी था वो थोड़ा सा ऐसे चेयरफुल रहने वाला हमेशा खुश मिजाज वैसा वाला आदमी था तो जैसे ही वो ये सुनता है कि दोनों का पर्पज ऑलमोस्ट सेम है पूरा करने का तो एक्साइटेड होकर के कहता है वी कुड बी अ टीम हम लोग दोनों एक टीम हो सकते हैं टू अकेडमिक्स हु हैव एस्केप फ्रॉम द लाइब्रेरी पर हैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल और यहाँ पे क्या है यहाँ पे सामने में दो अकेडमिक्स हैं दो लोग ऐसे हैं अकेडमिक्स यानी कि स्टूडेंट्स यानी जो लोग पढ़ते हैं पढ़ने लिखने वाले लोग तो वो लोग हैं जो लाइब्रेरी से बाहर निकल करके रियल real रियलिटी को एक्सपीरियंस करके और अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए आए हैं तो एक होता है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो चार किताबों के बीच वहीं से किताबें ढूंढ ढूंढ करके अलग अलग नॉलेज को और फिर लिख रहे हो एक होता है उस चीज़ को जाके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना और तब लिखना तो यहाँ दो जो लोग थे वो लोग लो लाइब्रेरी से फिलहाल भागे हुए हैं और वहाँ से निकल करके अभी फ़िलहाल यहाँ पर मिल गए हैं पर हैप्पस माई पॉजिटिव थिंकिंग अब देखो वहाँ पे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये अपने सेल्फ हेल्प के प्रोग्राम को लेकर के थोड़े टेंशन में थे कि मेरे में पॉजिटिव थिंकिंग मेरी खत्म होते जा रही है कुछ खा खास काम नहीं आ रही है मेरी पॉजिटिव थिंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब जैसे ही ये सब बात करने लगे तो इनके दिमाग में आए कि चलो मेरा पॉजिटिव थिंकिंग अभी भी है बचा हुआ और अब वो काम भी आ रही है यानी कि पॉजिटिव सोचते रहने से सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो यानी कि पॉजिटिव जैसे ही हुए और वहाँ पर बैठ करके जो भी मैनीफेस्टेशन कर रहे थे ये अभी क्या हो गया नॉर्बो मिल गया इनको अब इनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा तो बड़े बुजुर्ग अच्छा ही कह करके गए हैं कि जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होता है मतलब पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव सोचना शुरू किए इनको देखो नॉर्बो मिल गया इससे पहले वो चिंतित थे कि पता नहीं कौन ही आएगा कौन मिलेगा मतलब मैं अकेले कैसे करूंगा एट्सट्रा एसेट्रा माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस वॉज टेम्पर्ड बाई द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर द पीपल ग्रिमेज इनकी इनके सबसे पहले जो राहत इनको आई वो ये राहत थी कि मतलब नॉर्बो को जब ये मिले तो सबसे पहला राहत इनको ये समझ में आया कि दोनों ही इल इक्विप्ड थे इल इलक्विप्ड का मतलब होता है कि कम आ, सामान होना आपके पास कम चीज़ें व्यवस्था कम होना ठीक है तो यहाँ पे आए थे सेटन भी चला गया था डैनियल भी नहीं था कोई वैसा हेल्प भी नहीं था क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत इन्हें भी कुछ खास मालूम नहीं था तो ये भी बहुत इल इलक्विप्ड थे और नॉर्बो भी बहुत ज़्यादा इल इलक्विप्ड था मतलब ज़्यादा इनके पास व्यवस्थाएँ नहीं थी जैसे तैसे ये लोग बस अपना काम कंप्लीट करने वाले थे कोरा कंप्लीट करने वाले थे ठीक है तो इक्विपमेंट्स इनके पास बहुत ही ज़्यादा कम थी तो ये बात इन्हें थोड़ी सी राहत दिलाती है कि चलो मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ मेरे साथ कोई और भी है जैसे क्लास में क्या होता है ना कि एक जन किताब नहीं लेकर के आया और पूरे क्लास किताब लेकर के आया तो थोड़ा सा खराब लगता है आपको डिसअपॉइंटेड फील होता है साथ में कोई सा, एक और खड़ा हो जाए दो चार लोग और खड़े हो जाए कि किताब नहीं लाने वाले तो आपको लगता है कि चलो मैं ही अकेला नहीं हूँ मेरे साथ और भी लोग हैं जो इल इक्विप्ड हैं जो लोग किताब नहीं लेकर आए हैं तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आती है He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. Very high up. और वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है वो मैंने बताया ना वो बहुत cheerful चुर, चुर, है वो बार बार उनको एक ही बात कह रहा है कि मैं इतना मोटा हूँ मैं इतना healthy हूँ मैं इतने इतने ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगा, कितना मुश्किल होने वाला है बहुत ऊंचा है बहुत ऊपर है बहुत ऊपर मैं तो नहीं जा पाऊंगा इस तरीके का एक फ्रेंडली माहौल वो क्रिएट कर रहा है ही कैप्टिमाइंडिंग वो बार बार उनको याद दिला रहा है सो टायरसम टू वर्क है भगवान मैं तो चलते चलते ही थक जाऊंगा बहुत दूर चढ़ना है मैं तो इतना मोटा हूँ एसेट्रा एक्सेट्रा ही वॉज एन ट्रीली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट उसे देख करके बिल्कुल मैं समझ में आया तो बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बहुत काम कंपो कंपोज बिल्कुल एकदम स्थिर ज़्यादा हा हा करके हंसने वो वैसे वाले नहीं बहुत ही ज़्यादा एकदम एक, एक पोइज़ होता है उनमें ठीक है स्थिरता होती है उनको देख करके लग रही थी तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट था नहीं तो ये ऐसा ही था एकदम बिंदास इट ट्रांसपायर्ड उसको देख करके समझ में आया था कि बस ये बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ रहा है उसके बारे में इतने एथनिक लिटरेचर उसके ज़्यादा इसका कुछ वैसा बुद्धिज़म को लेकर के वैसा नहीं ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा है बुद्धिज़्म को बट ही हैड एंथोसियाज्म एंड ही वॉज ऑफकोर्स तिब्बतन और लेकिन हाँ उसमें उत्साह पूरी थी बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ने का जानने का सब कुछ उसमें उत्साह बहुत ज़्यादा था ये भी अच्छे से दिखाई दे रहा था ऑबियसली वो तिब्बतन था कि तिब्बत में भी तिब्बत में बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं ठीक है तो ज़रूरी नहीं कि हर तिब्बतन बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करे तो ये भी उन्हीं में से था यह तिब्बतन था लेकिन ये बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस नहीं कर रहा था ऑल दो आई हैड ऑरिजनली एनविसेज मेकिंग द ट्रैक इन कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट आई टर्न टू बी द आइडियल कंपेनियन अब हालांकि उन्होंने ये सोच लिया था उल्लेख कर लिया था अपने एनविसेज का मतलब होता है उल्लिखित लिख लेना दिमाग में बिठा लेना तो नॉर्बो के मिलने से पहले इन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि अब तो मुझे कोरा अकेले ही करना है इन आ, जो वहाँ पे भक्त लोग हैं डिवाउट बिलीवर्स हैं तो उन लोगों के साथ ही मुझे अब कोरा कंप्लीट करना होगा ठीक है मेरे पास कोई चारा नहीं क्योंकि मैं तो कोई अकेला हूँ बिना बोले ही बिना इंग्लिश समझे ही बिना तिब्बतन समझे ही मुझे अकेले ही कोरा कंप्लीट करना है तो करना ही पड़ेगा कुछ किया नहीं जा सकता है तो ये बात उन्होंने अपने दिमाग में बिठा ली थी लेकिन उनके उसके बाद उनको नॉर्बो मिल गया और शायद नॉर्बो उनका क्या है आइडियल कंपेनियन है एक सच्चा साथी है Uh, he suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain. अब वो वो लोग में बातचीत हो रही है कोरा कैसे कंप्लीट करना है कितने बजे चढ़ेंगे कितने बजे उतरेंगे कैसे क्या करेंगे कहाँ ठहरेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो दोनों में बातचीत में बात होते होते वो लोग कहते हैं कहता है कि हम लोग चढ़ते टाइम पे क्या करेंगे वो याक ले लेंगे जैसे आप वैष्णो देवी जाओगे तो लोग पिट्ठू या फिर वो आ, हाय उस वो, घोड़ा जैसा होता है कुछ उसको हायर कर लेते हैं खच्चर खच्चर पे उस सामान को रख करके और फिर उस पर बैठ करके जाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे लोग याक पे चढ़ करके में भी कोरा कंप्लीट करते होंगे तो इसलिए वो कहता है कि याक को हम लोग कर याक रख लेंगे और आ, सामान लगेज के लिए मतलब चलेंगे पैदल ही लेकिन आ, सामान लगेज के लिए अपना याक को हायर कर लेंगे जो भी वो करता होगा तो वो इन्हों, इन्होंने इन्होंने भी उसको सहमति दी कि हाँ चलो ठीक है अच्छी बात बोल रहे हो तो लेकिन उसकी बातों बातों से ये पता चल रहा था कि इसका कोई इरादा नहीं है जैसे वहाँ करना होता है कि लोग ये कोरा कंप्लीट करके और फिर वहाँ जा के दंडवत करते दंडवत का मतलब पूरी तरीके से लेट करके प्रोस्ट्रेटिंग आप देखोगे कि जो पूजा लोग करते हैं वो लोग वहाँ पे परिक्रमा करने के बाद पूरे ऐसे लेट करके पेट के बल लेट करके और ऐसे सीधे करके प्रणाम करते हैं झुक करके ज़मीन में लेट के ठीक है तो इनकी बातों से नॉर्बो की बातों से निक को ये पता चल रहा था कि खैर इसका कोई इरादा नहीं है राउंड कंप्लीट करके कोरा कंप्लीट करके और प्रोस्ट्रेटिंग करने का क्योंकि ये तो चढ़ ही नहीं पाएगा इसकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कोरा कंप्लीट कर भी पाएगा कि नहीं नॉट पॉसिबल ही क्राइट बोलते हैं ना 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 मेरे से तो होगा ही नहीं मैं तो पहले ही बोल दिया मेरे से होगा ही नहीं मैं कोरा किसी तरह कंप्लीट कर भी लूँ कोलाप्सिंग अराउंड द अक्रॉस द टेबल इन अ हिस्टेरिकल लाफ और नॉट पॉसिबल बोल करके ऐसे टेबल पर वो लेट जाता है और टेबल पर ऐसे लोट पोट होकर के हंसने लगता है हिस्टेरिकल लाफ मतलब पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है इट वॉज इन हिस्टाइल एंड एनी वे हिस्टेट टमी वॉज टू बिग और यहाँ पे वो हंसते हंसते ये बात कहता है कि मेरे से होगा भी नहीं और निक ड कहते हैं कि उससे हो भी नहीं पाता वो परिक्र दंडवत इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि उसका टमी बहुत ज़्यादा बड़ा था अब जिन लोग की टमी यानी कि जिनके तोंद होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े पेट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो लोग पेट के बल लेटेंगे कैसे वो परिक्रमा मतलब वो दंडवत कैसे कर पाएंगे तो इसीलिए वो कहता है कि हाँ हाँ मेरे से तो होगा नहीं और इसी बात को वो लोग अपना ही मजाक उड़ाते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और टेबल पर ऐसे लोट होने लगता है तो ये जो थे ये कॉन्वर्सेशन उनके बीच में चलने लगती है कब जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और वो उनका आइडियल कंपेनियन उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि नॉर्बो मेरा आइडियल कंपेनियन है सो आई एम कम्प्लीटिंग द चैप्टर ऑन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग नोट चैप्टर चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाले पॉइंट पे ख़त्म हुआ है नॉर्बो और निक मिडलटन की आगे की जर्नी मेरे हिसाब से इस चैप्टर में होनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं यहाँ पर नहीं है तो आई वॉज़ वेरी वेरी मच विलिंग टू स्टडी और आपको पढ़ाने में भी और बताने में भी आई वॉज़ वेरी क्यूरियस मुझे बताना था अगर आगे चैप्टर गिवन होता तो लेकिन नहीं है तो यहीं तक हम चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर आगे का कैलाश का कोरा वो कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं ये तो चैप्टर में गिवन नहीं है बट जहाँ तक की जो जर्नी थी सिल्क रोड तक की इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड इसीलिए है क्योंकि सिर्फ रूट को डिस्क्राइब किया गया है वहाँ तक की जर्नी राबू टू थैंक यू वेरी मच